हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बनाएंगे टिफ़िन बॉक्स रेसिपी। बच्चों के टिफ़िन में देने के लिए मैंने आज प्याज के पराठे बनाए हैं। तो देखिए, मैंने 4 प्याज लिए हैं और उसे इस तरह से हमें बारीक काट लेना है। आप प्याज को जितना बारीक काट सकेंगे आपके पराठे उतने ही अच्छे बनेंगे। तो देखिए, मैंने इस तरह से मैंने जितना हो पाया है उतना बारीक मैंने इसे काट लिया है। अगर आपके पास चॉपर हो तो आप उसमें काटें और प्याज आपके बारीक हो जाएंगे तो पराठे आप बहुत अच्छे बना पाएंगे। तो देखिए, इसी तरह से मैंने सभी प्याज को काट लिया है। आप प्याज की मात्रा अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा प्याज पसंद है तो आप प्याज एक दो और बढ़ा सकते हैं, लेकिन इतनी प्याज में पराठे काफ़ी अच्छे बनते हैं। तो देखिए, मैंने 4 प्याज लिए हैं और 3 हरी मिर्च। ये तीखी वाली हरी मिर्च नहीं है, इसीलिए मैंने 3 लिए हैं। बच्चों के लिए आप बनाएं तो मिर्ची अपने हिसाब से डालें, जितना उन्हें तीखा पसंद हो या बिल्कुल ना ही डालें। तो देखिए, सारे प्याज और मिर्च मेरी कट गई है। तो चलिए आटा लगाते हैं। तो मैंने ये गेहूं का आटा लिया है और उसमें लिया है 1/2 चम्मच के करीब मैंने नमक, थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ी सी कलौजी। इससे पराठों में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो मैंने अजवाइन और कलौजी लिए हैं। आप इसमें अपनी पसंद से मसाले भी मिला सकते हैं, जैसे कि धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर और गरम मसाला। आप बड़ों के लिए बनाएं तो मसाले इसमें डालें। मैंने बच्चों के लिए बनाया है इसलिए बहुत सिंपल रखा है। और 1/2 चम्मच के करीब मैंने इसमें आमचूर पाउडर मिलाया है। आप चाहें तो चाट मसाला भी मिला सकते हैं। देखिए, और सभी प्याज और हरी मिर्च को मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। इसमें अदरक भी डालेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। बच्चों को अदरक पसंद नहीं, इसलिए मैंने नहीं डाला है। और पहले प्याज को आटे के साथ पहले हाथों से मिक्स कर ले, क्योंकि हमने इसमें नमक डाला है तो प्याज अपना पानी छोड़ेगा। तो इसीलिए पहले आटे में प्याज को बहुत अच्छे से मिक्स कर ले, उसके बाद हमें जितनी ज़रूरत होगी उतना पानी डाल के हम इसका आटा लगा लेंगे। देखिए, इसका आटा रोटी की तरह तो चिकना नहीं होगा, लेकिन हाँ, इसे हमें अच्छी तरह से 5 मिनट तक गूंदना है ताकि ये सॉफ्ट इसका आटा लग सके। और 5 मिनट इसे रेस्ट देंगे तभी आपके पराठे बहुत अच्छे मिलेंगे। तो बहुत ज़्यादा देर तक आप इसे गूंद के ना रखें, नहीं तो ये बहुत लूज़ हो जाएगी और फिर आपके पराठे बनाने में बहुत दिक्कत होगी। तो इसी तरह से हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के जितनी ज़रूरत हो हम इसका आटा लगा के तैयार कर लेंगे। देखिए, ये पराठे बहुत ही जल्दी बन जाते हैं, बहुत ही फटाफट से बन जाते हैं। बच्चों के टिफ़िन के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है। तो आप लोग इसे पराठे को ज़रूर ट्राई करें, आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी। तो देखिए, इसी तरह से हमें आटा लगा लेना है। अगर आपके पास धनिया पत्ती हो तो आप इसमें ज़रूर मिलाएं। धनिया पत्ती से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मेरे पास नहीं थी तो मैंने यूज़ नहीं किया है, तो आप धनिया पत्ती ज़रूर डालें। देखिए, आटा मेरा लग गया है और इसे हम 5 मिनट रेस्ट देंगे, उसके बाद हम इसके पराठे बनाएंगे। देखिए, आटा बिल्कुल हो गया तैयार। साथ ही साथ मैंने गैस पे तवा भी रखा है। तो चलिए पराठे बना लेते हैं। तो आपको जितने बड़े पराठे बनाने हो उस हिसाब से आटे की लोई लें और इसे सूखे आटे में मिला के हम इसका रोटी की तरह इसे बेल लेंगे। देखिए, इसी तरह से हमें सूखे आटे में लगा के इसे बेल लेना है। इसे बेलने में बिल्कुल परेशानी नहीं होगी, ये बहुत आराम से ये बेल जाती है। आटे को बहुत ज़्यादा रेस्ट ना दें, नहीं तो प्याज अपना पानी छोड़ता रहेगा और आपका आटा बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा, तो फिर रोटियां बनाने में, पराठे बनाने में आपको परेशानी होगी। तो देखिए, इसी तरह से हमें बेल लेना है। इसके किनारे बिल्कुल रोटी की तरह क्लीन तो नहीं होंगे, लेकिन ये खाने में बहुत अच्छी लगती है। इसीलिए आप प्याज को बहुत ही बारीक काटें, तब आपके पराठे बहुत अच्छे बनेंगे। तो तवा गर्म हो गया था तो मैंने एक पराठा तवे पर डाला है और दोनों तरफ से हम इसे अच्छी तरह से तेल, घी या बटर, आपको जो भी पसंद हो उसे लगा के हम इसे सेक लेंगे। देखिए, किनारे से फट जा रहे हैं प्याज की वजह से, लेकिन हाथों से पिंच कर देंगे तो फिर वो अंदर चले जाएंगे। इसी तरह से हम सभी पराठों को बेल के इसे सेक लेंगे। इसे आप लो फ्लेम पे ना सकें, नहीं तो ये पराठे कड़े हो जाएंगे। तुरंत खाने हैं तो आप इसे करारे बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको टिफ़िन में देना है तो आप इसे हाई फ्लेम पे ही सेकें, इससे आपके पराठे देर तक सॉफ्ट बने रहते हैं। तो देखिए, मैंने हाई फ्लेम पे ही इसे पराठों को सेका है। इसे मैंने करारा नहीं किया है, क्योंकि बच्चों को टिफ़िन में देना है हमें। इसे हम ज़्यादा करारा करके सेकेंगे तो फिर ये बाद में और कड़ी हो जाएंगी और ये खाने में अच्छी नहीं लगेंगी। तो जब
आपको टिफ़िन में देना हो तो पराठे को बहुत ज़्यादा करारा नहीं सेकें, नहीं तो वो बहुत कड़ी हो जाएगी। अगर आपको तुरंत खाना है तो आप इसे करारा सेकें तो ये खाने में बहुत अच्छी लगती है। क्रिस्पी पराठे खाने में वैसे भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो देखिए इसी तरह से अलट पलट करके हमें अच्छी तरह से पराठों को सेक लेना है, कितने अच्छे बने हैं पराठे। आप फिर पराठों को चाय के साथ, अचार के साथ, या बच्चों को तो केचप के साथ अच्छी लगती है तो उन्होंने केचप लिया है, इसी तरह से सर्व करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपका काम बिल्कुल आधा हो जाएगा सुबह के टाइम। इसके साथ आपको और कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये पराठे इतने अच्छे लगते हैं। वीडियो रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मैं मिलूंगी आपसे इसी तरह की अच्छी अच्छी रेसिपी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग रखिए अपना ख्याल और मुझे दे इजाज़त। बाय बाय।